पहले हम लोग सीखते हैं ये क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में सीखते हैं हम लोग कट, कॉपी, पेस्ट। पहले ये तीन चीज़ सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे फॉन्ट का बारे सीखते हैं, फिर पैराग्राफ सीखेंगे और सीखेंगे हम लोग इधर स्टाइल। हम लोग कुछ टाइप करते हैं, जैसे कुछ टाइप करेंगे तो हम लोग इसको सजा के नहीं लिखना है, हम लोग को लिखना है ऐसे ही लिख लेना है, हम लोग को बिना सजाए ही हम कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ टाइप कर लिए, अब इसको सजाना है तो क्या करेंगे, एक के बाद दो होना चाहिए तो दो को सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे हम लोग कट में क्लिक करेंगे, उसके बाद एक के बाद आने के बाद क्लिक करके पेस्ट में क्लिक करेंगे। ठीक है, उस तरह हम लोग क्या करेंगे, अब तीन को सेलेक्ट करके कट में क्लिक करेंगे, दो के बाद जाके पेस्ट करेंगे, उस तरह तीन के बाद क्या करेंगे, चार को सेलेक्ट करके कट करते हैं, तीन के बाद आने के बाद पेस्ट करते हैं, तो चार के बाद हम लोग पाँच को सेलेक्ट करके कट करते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं चार के बाद और पेस्ट करते हैं, पाँच पाँच के बाद क्या करते हैं हम लोग छः को कट करते हैं, कट कर ली और क्या करते हैं हम लोग पाँच के बाद लाते हैं, उस तरह हम लोग प्रत्येक को बारी बारी से ला सकते हैं। ठीक है, कट करके हम लोग किसी भी भाग को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जा सकते हैं। ठीक है, कॉपी से क्या होता है, कॉपी से किसी भी भाग को नकल करना, जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ आप लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग नेम लिख लिए। ठीक है, अब हम भी अभी डॉट डॉट ही दे रहे हैं, हम नेम लिख लिए, अब हमको अब क्या करना है, हमको फिर हमको फादर्स नेम लिखना है। ठीक, तो फादर्स नेम लिख लेते हैं यहाँ पर, अब फादर्स नेम को हमको फिर से कॉपी करना हो तो क्या करेंगे हम लोग को, यहाँ पर हम लोग का नेम देखो बार बार जरूरत पड़ रहा है ना, तो हम लोग फादर्स नेम में क्या करेंगे, हम नेम को अभी हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसको, हम लोग नेम को पूरा पूरी को हम कॉपी कर लेना चाहते हैं, तो कॉपी कर लिए हम यहाँ से और डॉट डॉट को भी कॉपी कर लिए, इसमें हम लोग क्या होगा कि हम लोग ये चीज़ बार बार लिखना नहीं होगा, क्लिक करके पेस्ट कर दिए। ठीक, तो हम लोग का यह आ गया, हम लोग का पूरा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब मदर्स नेम लिखते हैं, जैसे MOTHER मदर्स नेम, NAME। अब मदर्स नेम लिखे, अब क्या करेंगे हम लोग, नेम हमको नहीं लिखना पड़ेगा, नेम को हमको क्या करना होगा, यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, बस कॉपी क्लिक करिए और क्या करेंगे हम लोग पेस्ट में क्लिक कर देंगे। ठीक, अब जैसे लिखना होगा विलेज नेम, VILLAGE, अब नेम नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे नेम को हमको कॉपी करना है, तो कॉपी सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, फिर आने के बाद क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉपी करने से क्या होगा, समय का बचत होता है, जिसका उपयोग हम लोग कॉपी करके पेस्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे सीखते हैं, हम लोग यहाँ पर फॉन्ट में देखिए, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको, तो सारा ऑप्शन के बारे में धीरे धीरे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको फॉन्ट स्टाइल, ये स्टाइल देखिए, यहाँ पर बहुत सारा फॉन्ट का स्टाइल दिया हुआ है, तो यहाँ से जो भी, जैसे अभी हम मान लीजिए हम अभी ये वाला स्टाइल ले रहे हैं, तब उसी टाइप से लिखा गया, जैसे हम किसी का नाम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, तो देखिए उसी फॉन्ट स्टाइल से लिख रहा है। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर कुछ अलग स्टाइल ले लेते हैं, अब हम लोग कुछ अलग स्टाइल ले लेते हैं, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, देखिए अलग अलग स्टाइल, तो फॉन्ट स्टाइल से क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मतलब लिखा हुआ है का अक्षर को हम लोग दूसरा स्टाइलिश हम लोग जैसा लेना चाहते ले सकते हैं, यहाँ तो बहुत सारा स्टाइलिश है, लेकिन यदि आप यहाँ फॉन्ट से आप हिंदी लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर से फॉन्ट देखिए, यहाँ पर मिलेगा कुरुति देव ज्ञातना जब कम हो, इसमें क्लिक करेंगे और क्या लिखेंगे हम लोग, जैसा लिखना है जो भी, अभी देखिए जो भी टाइप करेंगे हम क्या होगा, सब हम लोग का हिंदी में आ रहा है हिंदी में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब भी हिंदी का जरूरत पड़ेगा तो कुरुति देव 011 लेंगे, और अंग्रेजी का जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर हम लोग जो भी फॉन्ट लेना चाहते ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आगे सीखते हैं हम लोग, यहाँ पर सीखते हैं बोल्ड। बोल्ड से क्या होता है, बोल्ड से क्या होता है, सेलेक्ट अक्षर को थोड़ा गहरा कर सकते हैं, थोड़ा मोटा कर सकते हैं, अक्षर को तिरछा कर सकते हैं, देखिए थोड़ा तिरछा हुआ फिर हटा सकते हैं, अंडरलाइन से नीचे में देखो लाइन आ सकता है, देखिए इसके नीचे लकीर दे सकते हैं, हटाना है तो अंडरलाइन से हटा सकते हैं, स्टिक थ्रू, जैसे किसी का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो उसको क्या करते हैं हम लोग स्टिक थ्रू के द्वारा उसको जैसे बीच में कट कर सकते हैं लिखावट अक्षर का, जैसे हम मान लीजिए हमको लिखना है DOCUMANT, तो स्पेलिंग ये हम लोग का रॉन्ग हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको स्टिक थ्रू से इसको बीच में लकीर दे सकते हैं, फिर हटाना है तो हटा भी सकते हैं हम लोग यहाँ से स्टिक थ्रू से। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हम लोग का पावर, नीचे पावर क्या का होता है हम लोग का, किसी भी रासायनिक सूत्र लिखना होता है तो पावर को क्या कहते हैं हम लोग, नीचे की ओर लिखते हैं, उसके लिए चलिए कुछ रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं, जैसे कि पहले H2O ही लिख दिए चलिए। ठीक है, अब क्या करना है हमको, पावर को नीचे देना है, तो उसको बस सेलेक्ट करना है जिसको नीचे करना है और सब स्क्रिप्ट में क्लिक कर देना है, यह आपका पावर नीचे हो जाएगा।
ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट। इसमें क्या होगा, पावर ऊपर होता है। जैसे कुछ आप कुछ हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग टाइप कर लेना है, और क्या करना है, जिसका भी पावर को ऊपर करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करके आप क्या कीजिएगा, पावर ऊपर में आप दे सकते हैं, इस टाइप से पावर ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये आपका फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज से क्या होगा, लिखावट का अक्षर को बड़ा कर सकते हैं। जैसे जिसको भी सिलेक्ट किए, जैसे मान लीजिए हम इस मोहन कुमार को सिलेक्ट किए, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग बड़ा करना चाहते थे कि यहाँ पर से फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज 8 से शुरू होता है और 72 में ख़त्म होता है, लास्ट इतना बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से छोटा कर सकते हैं, ठीक है। चाहते तो आप यहाँ लिख के भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से 8 से 72 तक ये दिया गया है इसमें, ठीक है। और एक ग्रो फॉन्ट है, ये ग्रो फॉन्ट से भी बड़ा कर सकते हैं हम लोग, बस रिंग फॉन्ट में ये भी छोटा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये ग्रो फॉन्ट से क्या होता है, लिखावट का आकार बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, रिंग फॉन्ट से साइज छोटा होता है, ठीक कहते हैं, इसलिए हम लोग एरियल वाला फॉन्ट ले लेते हैं, ठीक है। और हिंदी के लिए क्या फॉन्ट का उपयोग करते हैं हम लोग, ज्ञात नजब, ठीक है, ज्ञात नजब का प्रयोग करते हैं, और अंग्रेजी के लिए एरियल का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब सबसे पहले फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कैसे क्या होता है, लिखावट अक्षर को बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ 8 से जो दिया हुआ रहता है 72 तक, इसको यहाँ 8 है तो 8 बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 38, 72, लास्ट यहाँ इतने तक ही दिया हुआ है बड़ा करना। और इसके बाद जैसे हम लोग मान लो यहाँ 16 तक बड़ा करना था, तो 16 तक ले लेते हैं, मान लो और छोटा करना है तो छोटा भी आप ले सकते हो। अभी आपका है इंक्रेस फॉन्ट साइज, मतलब ग्रो फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट से क्या होता है, लिखावट का अक्षर बड़ा होता है। जैसे इसमें क्लिक करते जाएंगे वैसे ही लिखावट क्या होगा, ग्रो होगा, मतलब बढ़ेगा, बड़ा होता जाएगा इसका फॉन्ट साइज। और ये आपका श्रिंक फॉन्ट, मतलब क्या होता है, इसमें लिखावट का अक्षर को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप चाहते हैं तो कीबोर्ड से भी इसका शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। देखिए ग्रो फॉन्ट का शॉर्टकट की देखिए नीचे में लिख रहा है ग्रो फॉन्ट, कंट्रोल दबा के आपको क्या करना है, ग्रो फॉन्ट का शॉर्टकट की दबाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड से दबाते हैं, कंट्रोल दबा के क्या करेंगे हम लोग, ग्रो फॉन्ट का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट क्या करेंगे हम लोग, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में क्या होगा, हम लोग का फॉन्ट साइज बड़ा होगा, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करेंगे तो क्या होगा, फॉन्ट साइज हम लोग का स्मॉल होगा, मतलब फॉन्ट साइज छोटा होगा। कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ दबाना है, देखिए इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कंट्रोल दबा के ग्रेटर देन, ठीक है, इससे बड़ा करते हैं। लेकिन कीबोर्ड में क्या है, हम लोग का ग्रेटर देन ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए कीबोर्ड में 2 सिंबल रहता है, तो ऊपर वाला चिन्ह को क्या करते हैं हम लोग, शिफ्ट दबा के प्रयोग करते हैं। इसलिए हम लोग ग्रेटर देन के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दबा के ग्रेटर देन दबाते हैं, जबकि हम लोग लेस देन का प्रयोग करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शिफ्ट को एक साथ दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन। तो फॉन्ट साइज इसमें से ग्रो फॉन्ट से बड़ा कर सकते हैं, श्रिंक फॉन्ट से छोटा। अब देखिए बोल्ड, बोल्ड का उपयोग करते हैं किसी भी अक्षर को थोड़ा हल्का गहरा करने के लिए, थोड़ा मोटा करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे ये लाइन को हमको मोटा करना है तो क्या करेंगे, बी में क्लिक कर देंगे, जैसे बोल्ड के रंगे देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखावट अक्षर मोटा हो गया, फिर क्लिक करेंगे बोल्ड में फिर हट जाएगा। किसी भी सेलेक्ट अक्षर को तिरछा करने के लिए इटैलिक का प्रयोग करते थे, हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल आई भी दाब सकते हैं और शॉर्टकट की है, और हम लोग इटैलिक में भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए इटैलिक से टेढ़ा हो गया, कंट्रोल आई करेंगे तो भी क्या होगा हम लोग का, फिर से ठीक हो जाएगा। अब देखें अंडरलाइन, अंडरलाइन से नीचे लकीर खींच सकते हैं, किसी भी सेलेक्ट अक्षर का अक्षरों के नीचे में हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए इनका प्रयोग इस टाइप से कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है अंडरलाइन, आप कोई भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका अंडरलाइन का कलर भी मिल जाएगा, यहाँ पर अंडरलाइन कलर भी ले सकते हो आप, यहाँ से चाहते हैं तो जो भी कलर लेना चाहते ले सकते हैं। अब आपको अंडरलाइन नहीं रखना है तो क्या करना है, अंडरलाइन में बस क्लिक कर देना है। स्टिक थ्रू, इसका उपयोग करते हैं हम लोग क्या, किसी भी लिखे हुए अक्षर को, मतलब जो जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं तो किसी कारणवश हम लोग का गलती हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, इसको गलत दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग हम लोग का भी सही है, अब इसको हम लोग क्या करें, गलती कर लिए डॉक्यूमेंट को, अब क्या करेंगे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, स्टिक थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब किसी भी गलत चीज़ को दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मतलब किसी भी हम लोग गलत लिखे हुए गलत स्पेलिंग को सुधारने के लिए हम लोग स्टिक थ्रू का प्रयोग करते हैं। अब हो गया हम लोग का यहाँ पर, ये हम लोग का हो गया बोल्ड, बोल्ड से मोटा कर सकते हैं, इटैलिक से टिढ़ा कर सकते हैं, अंडरलाइन से लिखे हुए अक्षरों के नीचे लकीर दे सकते हैं, स्टिक थ्रू से गलत लिखे हुए अक्षर को, मतलब स्पेलिंग में कभी मिस्टेक हो जाता है किसी लिखा हुआ अक्षर, यदि गलत हो जाता है तो उसको हम लोग
क्या करते हैं यहाँ पर से स्टिक थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। अब सीखते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर से क्या होता है, लिखावट अक्षर का पीछे रंग होता है। ठीक, तो लिखे हुए सेलेक्ट अक्षर को पीछे रंग करते हैं, तो क्या करते हैं हम जितना भी अक्षर को सेलेक्ट करना चाहते हैं कर लेते हैं, और क्या करेंगे यहाँ पर है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जिससे क्या होता है लिखावट अक्षर के पीछे रंग होता है। इस तरह से हम लोग बारी बारी से किसी को भी लिखा हुआ अक्षर को क्या कर सकते हैं, हम लोग पीछे रंग भर सकते हैं। यहाँ बहुत सारा रंग दिया हुआ है, आप चाहे जो भी लेना चाहते ले सकते हैं। इसमें क्या होता है लिखावट अक्षर को पीछे रंग होता है। ठीक है, फिर हटाना पड़ेगा तो भी हमको इसको सेलेक्ट करना है, और क्या करना है टेक्स्ट हाईलाइट कलर में आने के बाद नो कलर करना है। फिर उसी तरह से हम लोग को सेलेक्ट करना है और क्या करना है टेक्स्ट हाईलाइट कलर से नो कलर, और यहाँ टेक्स्ट हाईलाइट कलर से क्या करते हैं हम लोग यहाँ से नो कलर करते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर से देखते हैं, हम लोग ये है टेक्स्ट कलर। इसमें क्या होता है लिखावट में कलर होता है, लिखावट लिखे हुए सेलेक्ट अक्षरों को कलर करने के लिए। ठीक है, तो जितना भी लिखे हुए सेलेक्ट अक्षर को जितना भी हम लोग सेलेक्ट किए हैं, जैसे हम लोग ये पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं इसी पैराग्राफ में कलर होगा, आप जैसा कलर करना चाहते कर सकते हैं, जो भी कलर लेना है ले लेंगे। ठीक, अब कलर को हम लोग हटाना हो तो क्या करेंगे हम लोग सेलेक्ट करके क्या करते हैं हम लोग यहाँ से ऑटोमेटिक से कलर हटा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर देखो ग्रेडियंट फिल का भी ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट, और यहाँ से भी आप ग्रेडियंट फिल कलर कर सकते हैं। इसमें क्या होगा मिक्स कलर होगा, देखिए यहाँ मिक्सिंग कलर दिया है। अब इसके बाद आप जैसे आप क्लोज करिएगा जैसे देखिएगा इसमें मिक्सिंग कलर होगा। ठीक है, और यदि हटाना चाहते हैं कलर को तो यहाँ पर से ऑटोमेटिक का ऑप्शन आते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए टेक्स्ट इफेक्ट, लिखे हुए अक्षरों को इफेक्टेड करने के लिए। ठीक, तो हम लोग इसमें कुछ इसमें हम लोग लिखे हुए अक्षरों को इफेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग को यहाँ से यहाँ तक इफेक्ट करना है तो क्या करेंगे हम लोग इफेक्टेड में हम लोग आते हैं। देखिए लिखे हुए अक्षर को इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से लिखे हुए अक्षरों को क्या कर सकते हैं हम लोग इफेक्ट दे सकते हैं कोई भी लिखे हुए अक्षर को। ठीक, सेलेक्ट किए गए, इसको आपको याद रखना है कि सेलेक्ट करने के बाद ही आपको इफेक्ट करना है। यहाँ से बहुत सारे लिखे हुए हैं, देखिए सबको हम लोग क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं। ठीक, लेकिन इफेक्ट को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसमें क्या करता है जो भी हम लोग इसमें जो एडिट किए थे उसको क्या करता है पहले जैसा रखता है, जैसे क्लियर इफेक्ट से इफेक्ट क्लियर कर देता है। ठीक है, इसके बाद का ऑप्शन है देखिए चेंज केस। चेंज केस से हम लोग को देखिए इसमें 5 टाइप का केस है, पहला सेंटेंस केस, दूसरा है लोअर केस, तीसरा अपर केस, चौथा कैपिटलाइज वर्ड, और पांचवा है टॉगल केस। ठीक है, तो प्रत्येक को बारी बारी से हम लोग जानते हैं। चलिए तो क्या करते हैं सबको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेंटेंस केस में जब यहाँ पर से आते हैं सेलेक्ट किए गए अक्षरों पर क्या करते हैं सेंटेंस केस में जब क्लिक करते हैं तो इसमें शुरू अक्षर जब बड़ा होता है जब तक फुल स्टॉप ना मिले। देखिए शुरू अक्षर बड़ा किया जब तक फुल स्टॉप नहीं मिला। इसके बाद लोअर केस, लोअर केस में सब अक्षर छोटा हो जाता है, देखिए सब अक्षर छोटा हो गया। और यहाँ पर अपर केस है, अपर केस में क्या होता है प्रत्येक अक्षर को हम लोग बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर कैपिटलाइज वर्ड, इसमें क्या होता है प्रत्येक का शुरू अक्षर को बड़ा करता है, देखिए प्रत्येक लिखे हुए अक्षर के शुरू अक्षर को क्या करेंगे इसमें से बड़ा कर सकते हैं। और टॉगल केस में प्रत्येक के लिखे गए शुरू अक्षर को क्या करते हैं हम लोग छोटा कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इनका प्रयोग बहुत कम होता है, अधिकतर इन चार का ही प्रयोग अधिकतर होता है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज वर्ड। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये फॉन्ट लंचर हम लोग का खत्म हो चुका है फॉन्ट में। अब हम लोग सीखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ में देखिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं यहाँ पर बुलेट। बुलेट का उपयोग कब करते हैं, बुलेट का उपयोग हम लोग करते हैं देखिए यहाँ पर लिखावट के आगे कुछ चिन्ह लगाने के लिए, जैसे यहाँ पर कुछ चिन्ह लगा दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इस टाइप से हम लोग लिखे हुए अक्षरों के आगे जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे फिर से चिन्ह देगा, चिन्ह आएगा। ठीक है, हम लोग इस टाइप से लिखे हुए अक्षरों के आगे चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर जितना बार आप इंटर करिएगा उतना बार चिन्ह आते जाएगा। ठीक, अब चिन्ह आने के बाद क्या करते हैं हम लोग का बुलेट, तो यहाँ बहुत तरह का है, बुलेट को नहीं रखना है उस बुलेट को, तो बैक स्पेस की से हम लोग इसको मिटा के इंटर करते हैं। इसके बाद हमको अलग बुलेट लेना है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर से जो भी बुलेट लेना है ले सकते हैं। देखिए अलग बुलेट ले लिया, अब इसको देखिए इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसको क्या करते हैं यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपका डिस्क्रेस इंडेंट, इसमें आपको लेफ्ट क्लिक करना है एक बार और एक बार करना है जितना आगे ले जाना चाहते हैं। अब देखिए इनके साथ मैच हो गया, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर से कुछ लिखते हैं। ठीक है, जितना बार हम लोग इंटर दबाएंगे उतना बार हम लोग का बुलेट आएगा। ठीक, जितना बार दबाएंगे उतना बार आते जाएगा, ये हम लोग का बुलेट हो गया। ठीक, इसको बैक कैसे हटा सकते हैं, बुलेट में देखिए एक है और यहाँ पर से बुलेट है और यहाँ पर एक नंबर टाइप का है, तो नंबर भी आप लेना चाहते ले सकते हैं। ए 1 2 3 से शुरू हो रहा है, देखिए ब्रैकेट के अंदर भी है, ABCD है कैपिटल में, स्मॉल में भी है, रोमन अक्षर में भी संख्या है,
तो हम लोग कोई भी ऐप ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे किस करना, तो क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे इंटर करेंगे हम लोग का क्या आएगा, फिर से आ गया बुलेट, ठीक। ये आपको बार बार लिखना नहीं होगा इसमें, आप किसी को आप नंबरिंग टाइप से स्टेप से कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आसानी से, ठीक। अब मिटाना है तो बैक स्पेस करके इंटर कर देते हैं एक बार, ठीक। यदि आपको इसमें से यदि कोई बुलेट पसंद ना लगे तो क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर से डिफाइन न्यू बुलेट का ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। और यहाँ सिंबल में बहुत सारा बुलेट दिया गया है, देखिए यहाँ पर से आप कोई भी सिंबल में चुन सकते हैं। यहाँ बहुत सारा बुलेट दिया गया है, कोई भी बुलेट ले लेते हैं। चलिए अब लोग, हम लोग अभी यह बुलेट ले लिए, ओके किए, अब ओके करते हैं। ये बुलेट हम लोग आ चुका है, अब इसको क्या करेंगे, इसका ना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर से डिस्क्रिप्शन का उपयोग करके हम लोग इसको आगे तरफ ले जा सकते हैं। देखिए इस टाइप से, इस तरीके से आप लोग नया बुलेट भी यहाँ पर से ले सकते हैं आपके इच्छा अनुसार। ये हम लोग का बुलेट हो गया, ठीक है। ये बुलेट का प्रयोग हम लोग सीखे, ठीक है। अब हम लोग आगे सीखते हैं, क्या सीखते हैं हम लोग, ये सब पैराग्राफ का प्रयोग करना, ठीक है। तो अब इन सबको मिटा लेते हैं, कंट्रोल ए डिलीट। पैराग्राफ, पैराग्राफ इस चार प्रकार अलाइनमेंट है। लेफ्ट अलाइनमेंट से क्या होता है, कुछ भी अच्छा लिखते हैं, जैसे हम लोग कुछ अच्छा लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेफ्ट से लिखना शुरू हो रहा है। अब इंटर की प्रेस करते हैं, जैसे ही सेंटर में क्लिक करते हैं, सेंटर से कोई भी लिखे हुए अक्षर को क्या कर सकते हैं हम लोग, बीचों बीच से लिख सकते हैं, ठीक है। और राइट की का प्रयोग, राइट अलाइनमेंट का प्रयोग होता है हम लोग का दाहिना ओर से लिखने के लिए। और जस्टिफाई का लेफ्ट से ही लिखता है, लेकिन समान भी करेगा लेफ्ट से ही, ठीक है। इन चारों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। हम लोग अलाइनमेंट लेफ्ट से लेफ्ट की ओर लिखना शुरू करता है, अलाइनमेंट सेंटर से बीचों बीच से लिखना शुरू करता है, अलाइनमेंट राइट से दाहिना ओर से शुरू करता है, और अलाइनमेंट जस्टिफाई से लेफ्ट और सेंटर करते हैं तो बीचों बीच से समान करता है, राइट करते हैं तो दाहिना ओर से एक समान रखता है, और जस्टिफाई लेफ्ट तरफ से ही समान रखता है, ठीक है। ये हो गया लाइन स्पेसिंग, दो लाइन लिख के लिखे हुए अक्षरों के बीच को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। जैसे हम लोग ये सब कुछ लिख चुके हैं, ठीक है। अब इसके बीच में हमको थोड़ा गैप करना है, मतलब लिखे हुए अक्षरों को क्या करते हैं, बीच में हम लोग को थोड़ा दूरी छोड़ना चाहिए, ऐसा हम लोग दूरी छोड़ सकते हैं। और ज़्यादा दूरी छोड़ने के लिए हम लोग लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का प्रयोग करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग को जितना भी दूरी छोड़ना है, जैसे 5 छोड़ना है तो 5 यहाँ लिख देते हैं, ठीक। फिर कम करना चाहें से आप कम भी कर सकते हो, ठीक। ये हो गया। अब सीखते हैं हम लोग शेडिंग। शेडिंग से क्या होता है, लिखे हुए अक्षरों के पीछे बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। स्टेप से बैकग्राउंड कलर करना होता है, शेडिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हटाना है तो यहाँ पर शेडिंग से नो कलर करते हैं। यहाँ पर देखें मोर कलर का भी ऑप्शन दिया गया, मोर कलर से भी आप जो भी कलर ले सकते हैं। कस्टम और स्टैंडर्ड दो टाइप का कलर है, ठीक है। स्टैंडर्ड भी है और कस्टम भी है। कस्टम लेना चाहते हैं कस्टम ले सकते हैं, स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं स्टैंडर्ड ले सकते हैं, जो भी कलर लेना है ओके कर दीजिए। ये आ गया। हटाना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से नो कलर। सीखते हैं बॉर्डर। बॉर्डर से क्या होता है, लिखा हुआ अक्षर को क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको बॉर्डर घेर सकते हैं। देखिए ऑल बॉर्डर लेते हैं तो देखिए प्रत्येक पर बॉर्डर आता है, हटाते हैं तो नो बॉर्डर। यहाँ पर बहुत तरह का बॉर्डर दिया, आउटसाइड मतलब खाली किनारे किनारे होगा, सिर्फ किनारे किनारे बॉर्डर कर सकते हैं। हटाना है तो नो कलर, नो बॉर्डर से हम लोग बॉर्डर को हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बॉर्डर का बहुत प्रकार दिया, बॉटम से सिर्फ नीचे की ओर होगा, टॉप में सिर्फ ऊपर की ओर होगा, राइट है लेफ्ट है, लेफ्ट की तरफ दे सकते हैं, राइट तरफ दे सकते हैं बॉर्डर। हटाना है तो नो बॉर्डर, यहाँ बॉर्डर ऑल बॉर्डर करेंगे तो प्रत्येक पर बॉर्डर आता है, हटाना है तो नो बॉर्डर। आउटसाइड में केवल किनारे किनारे बॉर्डर आता है, ठीक है, और हटाना है तो नो बॉर्डर। इसके बाद हम लोग सीखते हैं इनक्रेस, डिस्क्रेस इंडेंट और इनक्रेस इंडेंट। डिस्क्रेस इंडेंट से क्या होता है, देखिए आगे लिखा हुआ अक्षर को आगे की ओर ले जाता है, और इनक्रेस से देखिए इनक्रेस में क्या होता है, इधर 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 घिस करता है देखिए, और डिस्क्रेस से इधर हम लोग घिस कर सकते हैं लिखावट को, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट का प्रयोग सीखते हैं। शॉर्ट मतलब होता है सजाना के लिए, ठीक है। तो हम लोग कोई भी अंक लिख लेते हैं, ठीक है, और इंटर इंटर कर लेते हैं। इसको याद रखना कि कॉलम में ही सजाता है, ठीक। अब हम लोग मान लीजिए हम लोग अभी कोई भी अंक अभी टाइप कर लिए, ठीक है, अभी कोई भी अंक हम लोग टाइप कर लिए, ठीक। अब हम लोग इसको सजाना चाहते हैं, ठीक है, तो सजा सकते हैं हम लोग आसानी से। तो सजाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, पढ़ते को पहले सेलेक्ट कर लेना, और क्या करना है, और ये बात आपको याद रखना है कि इसको कॉलम में ही लिखना है, ठीक, इसको रो में नहीं लिखना है, इसको कॉलम स्टेप से इंटर इंटर कर करके लिखते जाना है।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें शॉर्ट पे आते हैं और क्या करेंगे हम लोग इसमें एसेंडिंग जैसे ही प्रयोग करके ओके करते हैं। तो क्या होता है, देखिए शुरुआत से सजाता है, शुरू तरफ से, और डिसेंडिंग में देखिए, ठीक है, ये हम लोग एसेंडिंग में एसेंडिंग सरिया सकते हैं और डिसेंडिंग में डिसेंडिंग सरिया सकते हैं हम लोग, ठीक। इसका प्रयोग हम लोग सीख चुके हैं, अब सीखते हैं हम लोग आगे, ठीक। अब हम लोग सीखते हैं ये स्टाइल का प्रयोग करना। तो स्टाइल का प्रयोग हम लोग लिखे हुए अक्षरों पर कर सकते हैं, जैसे हम लोग अभी कुछ लिख लिए, अब लिखे हुए अक्षरों को क्या कर सकते हैं हम लोग स्टाइल लिख कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या जो भी स्टाइल करना कर सकते हैं। अब यहाँ स्टाइल ले लिए, अब स्टाइल को हमको नहीं रखना तो क्या करेंगे हम लोग, यहीं पर आके क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इसमें हम लोग क्लिक कर देते हैं तो लिखावट पहले जैसा हो जाता है। और एक सेट स्टाइल, सेट स्टाइल से भी हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है, फॉन्ट में भी दिया गया बहुत सारा, स्क्रॉल को नीचे और लाएंगे, देखिए यहाँ पर भी बहुत सारा दिया गया है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर भी दिया गया है फॉन्ट स्टाइल चेंज, ये फॉन्ट से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग सीखते हैं फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड, फाइंड का उपयोग करते हैं हम लोग किसी भी लिखे गए अक्षरों को ढूंढने के लिए। तो हम लोग कुछ अभी लिख लेते हैं, उसको हम लोग ढूंढने का प्रयोग करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। हम लोग एक बहुत सारा कुछ लिख लिए, ठीक है। अब लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कुछ ढूंढने का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं हम लोग फाइंड में आते हैं। फाइंड में आने के बाद हम लोग ढूंढ सकते हैं, इसमें से अब ढूंढना हमको, तो हमको चलिए यहाँ पर हम देखते हैं यू, यू कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए यू जहाँ जहाँ पर वहाँ हमको फाइंड करके दिखा रहा है, ठीक है। इस टाइप से कलर क्या होगा, उसमें हाईलाइट हो जाता है। जैसे हम लोग और भी देखते हैं, हम लोग ए देखते हैं, ए कहाँ कहाँ पर है, तो जहाँ जहाँ पर ए है हमको दर्शाता है, ठीक है। लेकिन जो अक्षर लिखा हुआ रहेगा उसी को हम लोग ढूंढ पाएंगे, जो लिखा हुआ नहीं रहता उसको हम लोग ढूंढ नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग जेड ढूंढने की कोशिश करते, तो जे इसमें नहीं दिखाई पड़ेगा, देखिए जेड ढूंढने का कोशिश करते, जेड दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग सीख लेते हैं रिप्लेस। रिप्लेस का अर्थ होता है बदली करना, लिखे हुए अक्षरों के बदले दूसरा अक्षर डालना, ठीक है। जैसे मान लो हमको यहाँ पर कोई अक्षर को बदली करना, मान लीजिए हम लोग योर को बदली करना चाहते हैं, योर के बदले हम कुछ दूसरा हम लोग अक्षर लिखना चाहते हैं, उस जगह हम लोग बदली करके चलिए हम लोग बुक कर दिए, ठीक है। अब जैसे हम रिप्लेस में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जहाँ योर था उसका बुक हो जाएगा उस जगह, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो क्या होगा, हम लोग सब जगह एक ही बार में सब बदली हो जाएगा, ठीक है। अब सेलेक्ट से, जैसे हम लोग इस पूरा पेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो पूरा पेज को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट जाकर सेलेक्ट ऑल में क्लिक करेंगे तो पूरा पेज एक बार में सेलेक्ट हो जाता है, ठीक। तो ये हम लोग का यूज ऑफ फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे क्लास में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ इंसर्ट, ठीक।